एक्सप्रेस गंगा एक उत्तराखंड गवर्नमेंट और पोखरियाल जी द्वारा किया गया एक बहुत ही अच्छा अभियान है, जिसके तहत माँ गंगा को साफ सफाई करके रखना हम सब का मतलब दायित्व है, और हम सब मिलके इसको करें और हम लोगों को जागरूक करें ताकि ये हमारी माँ गंगा स्वच्छ रह सके, हम स्वच्छता में जिए। कितने इस अभियान में कितने लोग आते हैं? इस अभियान में तकरीबन हमारे 500 लोग आए हैं, और हम चाहेंगे आगे भी और लोगों को जोड़ेंगे और इसको ये सिलसिला चलता रहेगा। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हर्ष का विषय है कि CIPL फाउंडेशन और स्पर्श गंगा, ये जो दो प्रकल्प है, ये एक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले समय में विभिन्न जो हमारे चाहे हमारा जो पर्यावरण कोष जो उसकी रक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम हम उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चलाने वाले हैं, और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम सबको जागरूक होना है और हमें प्रदूषण कम करना है, हमें विभिन्न ऐसी अपना जो जीवन का जो हमारा स्टाइल है, जो लाइफस्टाइल है, इस प्रकार के करना है कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो कि जो पर्यावरण के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उससे हम निपट सके। बेसिकली फाउंडेशन के माध्यम से और स्पर्श गंगा के माध्यम से हम जो हमारे युवा हैं और जो भी हमारे जो कर्मचारी हैं, चाहे हमारे NGOs हैं, चाहे हमारे स्कूल हैं, चाहे महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सब लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर ये वर्ग जागरूक हो गया तो पूरा समाज जागृत हो जाएगा। और जो ऐसे जैसा मैंने पहले बताया कि इसका मुख्य लक्ष्य हमें अपने हर संसाधनों का उसकी हमें रक्षा करनी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक सुरक्षित भविष्य छोड़कर जा सके, और जो अभी का जो हमारा जो जीवन स्तर है वो भी किसी भी कठिनाई में ना पड़े प्रदूषण के कारण। तो कुल मिला के एक मुहिम है अपने संसाधनों की बचाने की।